आपको इतना ज़्यादा हैंड वॉश करवा देंगे पहले, ये देखो इंजन से वो लिया ना, अंदर स्प्रे लिया ना, ठंडा करने के लिए नीचे उसमें पानी ना गिरे उसका थोड़ा ध्यान रखें। किसमें पानी ना गिरे सर? यहाँ कहीं पे भी लिक्विड आपने गिरा दिया ना और सफाई करना भूल गए तो आइस हो जाएगा। हाँ वो तो समझ में आ गया। हाँ तो उसको साफ कर दीजिए। जी जी जी। ये तो ब्लू है वो कूलिंग पेस्ट है, लाइट जाने के बाद लंबे टाइम तक कूलिंग को संभाल के रखे उसके लिए पेस्ट दिया है। ये बॉक्स में पानी भर के आइस जमाना नहीं है। अच्छा अच्छा। आइस क्यूब स्टोर करना है, इसमें जमी हुई आइस ट्विस्ट करके नीचे क्यूब इकट्ठा कर दीजिए। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ठीक है ठीक है, गुड सर। चलिए, आपको घर में दो ट्रे बर्फ चाहिए तो तीन रखिए, एक मेहमान का दो आपका, बराबर बराबर। बाकी यहाँ दूसरा कुछ स्टोर करना है तो आप कर सकते हो। आम का सीजन है खत्म होने तक टुकड़े करके रख लिया, इसमें स्टोर करना है तो आप कर सकते हैं। सामने वाला बटन एयर फ्लो, कहाँ पे कूलिंग ज्यादा चाहिए तो बार बार आपका ये बड़ा वाला डोर खुलने वाला है, ये तो जब जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी, ठीक सही है। ये एयर फ्लो है ना, रेगुलर मिनिमम फ्रीज पे रखना है, नीचे कूलिंग ज्यादा मिले वो पोजीशन में, बराबर। ये मिनिमम किसका, ऊपर वाले का रहेगा? नीचे का, नीचे का मिनिमम। यहाँ तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ ही कूलिंग कॉइल जो है। तो ये जो इस नॉब को अपन घुमाएंगे तो ये सिर्फ नीचे के लिए है, बराबर ना? नीचे कूलिंग बढ़ाएगा। अच्छा, नीचे तो कहीं पे भी रखो नीचे भी होगा ठंडा, लेकिन नीचे जल्दी ठंडा होगा तो ऑटोमेटिक ज्यादा बंद रहेगा और नीचे की चीजें ठीक से ठंडी हो जाए, उसके लिए इसको ये बाजू रखना है। तो ये बाजू रखने से क्या है, थोड़ा लाइट बिल का भी सोचना पड़ता है कि भाई छोटा। और ये कूलिंग पैड आप जो बोल रहे हो इसमें इनबिल्ट नहीं है, तो हम तो उसमें नहीं कर सकते, कभी भी रिप्लेस होकर छोड़ना तो आप अंदर लिक्विड है तो पानी डालना पड़ेगा ना आइस क्यूब के लिए। इसमें हाँ, पानी भर के रख दिया, आइस हो गया तो ट्विस्ट करके दूसरा टेबल रख दीजिए, जैसे तो ये भी लिक्विड है, जब फ्रिज चालू होगा तो वो आइस हो जाएगा, फिर लाइट जाने के बाद लंबे टाइम तक वो जब जैसे जैसे पिघलेगा ना वैसे वैसे कूलिंग बाहर आता जाएगा, तो कूलिंग ज्यादातर स्टोर करके रखता है वो। मेरा सिंगल डोर फ्रिज था पहले सैमसंग का ना, तो उसमें भी थे कूलिंग पैड पर वो हाथ से नहीं पड़े रहते थे, उस टाइप का भाई फिट है, इनबिल्ट है। ये कभी कभी हमको खोलना है तो हम भी निकालते ही, बराबर बराबर आ जाता है। फिर ये एयर फ्लो है रेगुलर, ये पोजीशन में रखना है, रेगुलर मिनिमम में रखना है ये पोजीशन में, लेकिन पांच बार ये डोर ओपन होता है, पांच बार ये भी ओपन, दोनों का साथ में जितना इस यूज इसका है उतना ही उसका है, तो इसको नॉर्मल पे रखना है। हाँ, अगर ओपन ज्यादा होता तो नॉर्मल पे, दोनों ओपन ज्यादा होते हैं तो नॉर्मल पे। आप बाहर से जमा हुआ आइसक्रीम लाए हो जमाने के लिए, हाँ हाँ हाँ, वो 12-15 घंटे में आपको खाना है कि भाई सुबह आइसक्रीम लाए हैं रात को खाना है, तो इसको यहाँ पे डिफ्रीज करना है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई। तो सर इसमें केक भी स्टोर कर सकते हैं क्या, केक वगैरह लाते हैं? हाँ, करते हैं ना। पता है इसमें केक वगैरह? तो जब आइसक्रीम लाए हो तुरंत जरूरत है कि भाई सुबह लाए हो शाम को खाना है, तो इसको हाई करना है, अंदर डिफ्रीज करना है, बराबर। अच्छा, दोनों जगह करना पड़ेगा, वहाँ पे हाई कर, यहाँ पे भी हाई कर देंगे, वहाँ पे हाई कर। और सर ये जो इसमें सिंबल बना हुआ है वाईफाई का, क्या इंटरनेट वगैरह जुड़ता है? उसको भी, हाँ उसको भी समझाऊंगा, लेकिन आइसक्रीम का समझ लीजिए, हाँ समझ लीजिए, छोटा बच्चा है ना तो उसकी जरूरत ज्यादा रहेगी। हाँ जी बिल्कुल, और केक भी ऐसे ही, लेकिन आपने आइसक्रीम आज लाए है दो दिन तक कोई यूज नहीं है, कोई खाने वाला नहीं, बराबर कुछ नहीं घुमाना है, लेकिन सुबह लाए हो रात को खाना है तब ये करना है, बराबर। चाशनी वाला कोई भी चीज है जमाने के लिए रखेंगे 15-18 घंटा देंगे तो कड़क होगा, तो कड़क होगा, नहीं तो आपको ढीला ढीला लगे, लेकिन वो काम खत्म हुआ कि भाई चलो अभी आइसक्रीम खा लिया है तो इसको वापस फ्रिज पे लेना है। समझ गया, मतलब अपने को जरूर पड़ने पे ही करना है काम, सभी डिफ्रीज करना है, बाकी तो फ्रीज पे ही चला है, यहाँ तो आइस होने वाला ही है, बराबर। फिर ये जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो सीजन के हिसाब से रखना है, क्योंकि अभी गर्मी है तो उसको मीडियम पे ले लीजिए, गर्मी में, सर्दी में लो पे रखना है, आइसक्रीम के लिए हाई करना है, और फ्रिज को चालू रख के 5 दिन के बाहर गांव जाना है तो ये वेकेशन मोड, ऑटो मोड, तो ये वाईफाई काम करेगा, वेकेशन ये बहुत हमारे वेकेशन पड़ती है इसको, हाँ, काफी तो वेकेशन में ये वाईफाई जो मोड दिया है ना वो ऑटो मोड, तो भाई बाहर का हवामान कैसा है वो हिसाब से वो काम करके वो फ्रिज को ऑटोमेटिक ज्यादा बंद रखे, उसके लिए वो वाईफाई एप्लीकेशन है, लेकिन ये ऑटो मोड का मतलब वो वाईफाई, बराबर। अच्छा, आप स्पेशली वर्लपूल की तरफ से आते हो, अदर में आप नहीं आते, वर्लपूल में आते हो? गुड, वेरी गुड। तो अभी मैं मीडियम रखता हूँ, ज्यादा लगे तो लो पे करना है तो आप कर सकते हैं, आप तो आप अभी के तापमान के हिसाब से कर दो, अभी के तापमान के हिसाब से है, लेकिन यूज नहीं है तो ज्यादा लगे, बराबर। आपको कम करना है तो लो पे रख देंगे, तो ये मोड शिफ्ट कैसे होता है इससे, है ना?
ये बटन से प्लस माइनस है, बराबर क्लियर 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 समझ में आ गया। फिर ये बटन को कन्वर्ट मोड नाम दिया है, कन्वर्ट मोड जी जी। तो कन्वर्ट मोड का मतलब क्या है कि भाई वो बटन दबाने से हमारा फिर डेढ़ घंटा डायरेक्ट हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, बराबर। डेढ़ घंटे के बाद अपने आप वो कट होके जो मोड पे था वो मोड पे आ जाएगा। अभी मान लीजिए आपने कन्वर्ट पुश किया है तो लाइट वहां चली गई, अभी डेढ़ घंटे तक फिर कंटिन्यू चलता रहेगा, उसका टाइम खत्म होगा। तो पहले कहां था, मीडियम पे था, तो ये लाइट यहां से बंद होके मीडियम में आ जाएगी, बराबर। और कन्वर्ट का मतलब क्या, मैंने इसे कन्वर्ट किया मतलब क्या निकला डेटा? कन्वर्ट का मतलब ये है कि भाई मेहमान खाना खाने बैठे हैं, चिकन रखा है, वो खाना खाते हैं तब तक एकदम ठंडा रखना है, यहाँ पे रख दिया तो डेढ़ घंटे में तो खाना भी खत्म हो जाएगा और इसका टाइम भी खत्म हो जाएगा। ये भी जब मीडियम पे था तो मीडियम पे चला गया, लेकिन ये नहीं करना है तो यहाँ पे हाई करेंगे तो उसके जैसा ही काम होगा, समझ गया। मैनुअली भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं, तो रखना है 24 घंटा चालू, लेकिन दो दिन में एक बार ये सब्जी वाला बॉक्स निकल के नीचे सूखा कपड़ा मारना है। एक मिनट देखो अंकल, देखो दिखा रहे यहाँ पे है, तो हमारे जामनगर में भंगार में क्यों जाते हैं कि भाई ये कोने में जंग लग जाता है? नहीं, हमारे भी पुराने फ्रिज में पानी वानी हो जाता था, होता था। तो वो जंग क्यों लगता है? हमारा छोटा बच्चा शैतान है, मम्मी पापा सो, ये तो कौन शैतान है? हाँ, उस वो टाइम पे वो यहाँ ठंडी हवा खाने बैठते हैं ना, खोल लेते हैं बोतल की ढक्कन है ना, वो ढील कर देता है। मम्मी आई पापा आराम से बंद किया ना, वो पानी सब वहाँ गिरता है, पानी गिरता है जी। तो वो जगह पे हमारा ध्यान होगा तो हमको वो जंग लगने का डर नहीं रहेगा। चीजें संभाल के रखनी है, कौन जो हाँ जी जी, बहुत महंगी है कंपनी, उसके एक दिन की भी गारंटी नहीं देती। ये जो प्लास्टिक वाला जो है, कुछ भी टूट फूट गया, कल टूट गया तो कल पैसा देके लेना पड़ेगा, इसलिए वो टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना। और ये टफन ग्लास का कुछ है कि अनब्रेकेबल है कुछ है? और यहाँ पे दूध वगैरह वहीं पे रखना है ना, एवरीडे फ्रेश में रखना है? यहाँ रखेंगे मस्त होगा। फिर ये एयर फ्लो है तो भाई ये बाजू की है तो यहाँ पे कूलिंग बढ़ेगा, अंदर की है तो अंदर बढ़ेगा, लेकिन मेन फ्लो यहाँ पे है ऊपर, आप वो कोई भी साइड रखो, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई ये बाजू ही रखो कि वो बाजू ही रखो, बराबर वो फ्रेश एयर है। फिर यहाँ पे मॉइस्चर कंट्रोल है, पालक धनिया ऐसा कुछ रखा है तो इसको ये बाजू रखना है, तो इसके ऊपर रख दे मतलब चलेगा? नहीं, अंदर, अच्छा अंदर, और इसको ये मॉइस्चर कंट्रोल है। अच्छा ठीक है, समझ में। तो खुला रखना है, कोई स्मेल आए ऐसी चीज है तो ये बाजू, जैसे इसमें देखो ये वन ड्रॉप बनी हुई है, कम मॉइस्चर, टू ड्रॉप बनी हुई ज्यादा मॉइस्चर, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वो किसके लिए, सुबह सामान भर के निकल गए, घर को ताना लगा दिया, शाम को वापिस आते, उनके लिए नहीं, हमारा ऐसा ही एक्चुअली, हम दोनों जॉब करते हैं, धनिया वगैरह रखा तो इस तरफ कर दें, ये धनिया वगैरह रखा तो ये बाजू, और ये बाजू कब करें, ये वाला बाजू कब करें? कोई स्मेल बाहर आती है ऐसी चीज हो ना, अच्छा हाँ हाँ, तो ये छोटे हॉल है और यहाँ पे बड़े हॉल है, समझ क्लियर। एक मिनट से ज्यादा डोर खुला रहेगा, एक मिनट ज्यादा, हाँ जैसे अभी अभी बज रही जी, हाँ फिर फ्रिज चालू रहेगा, यहाँ पे वो साइड में ऊपर पीछे वो सब जगह पे गर्म होगा, तो जितना फ्रिज बाहर गर्म है उतना अंदर ठंडा होगा, वो सिस्टम है, वो चिंता नहीं। हाँ मैंने यहाँ पे लिखा लेबल भी लगा हुआ था, चिंता ना करें, अभी गर्म ही होगा साइड में, तो ये सिस्टम है, वो चिंता नहीं। फिर पीछे एक ट्रे है, बारिश के सीजन में शायद महीने में एक आध बार छल के, गर्मी में दो एक महीने में छल के, तो हमको खाली करना पड़ेगा। तो ये निकालने का क्या तरीका रहेगा इसका? तो उसके लिए पहले बोर्ड से स्विच ऑफ करना है, पिन निकाल लेना है, पिन निकाल लेना, फिर कपड़े से पानी निचोड़ लेना है इसमें से, ठीक, कोई नो इश्यूज। तो ये जो है पहले पिन निकाल लेना है, और फिर बाद में ये निकल कैसे निकलेगा? ये निकलेगा नहीं, उसमें कपड़ा डाल के पानी निचोड़ लेना है, ठीक है समझ गया मैं, तो कपड़ा डाल के इसको सुखा देना है, खाली सॉक कर लीजिए, बाहर निचोड़ लीजिए, बराबर। और आप बोर्ड से कभी भी स्विच को बंद करते हो, वापिस चालू करने के लिए 5 मिनट टाइम देना है, बंद करके तुरंत कभी चालू नहीं करना है। अच्छा अच्छा, तो ये सब की वाला है, वैसे तो हम ये मॉडल में स्टेबलाइजर रखो ऐसा बोलते हैं, एक्चुअली मैंने शोरूम पे बोला वो माने नहीं, और क्योंकि मैंने वीडियो वगैरह देखा था, और मैंने उनको बोला था कि आप ना थोड़ा सर्च कर दो, तो उन्होंने वेबसाइट देख के बोला नहीं चाहिए स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर की क्या कॉस्ट पड़ेगा, वो ले आऊंगा मैं कोई वर्कर का चाहिए, तो हमको बोलेंगे मैं दे जाऊंगा 1900 रुपए का आता है, तो मैं फोन करूंगा आपको, आप फोन नंबर देखे जाना मुझे। नहीं, आप वाइफ बोल रहे थे, इसकी जो कितना साइज होता है स्टेबलाइजर का, साइज क्या होता है, वो कहाँ रखने में आता है, इसके ऊपर 1900 रुपए का आएगा अगर वर्लपूल लेंगे तो। वर्लपूल का ये कंपनी खुद बनाती है, पर एक साल का गारंटी देती है, एक साल गारंटी देती है वो, एक साल का, तो वो भी आपको, चलो मैं फोन कर दूंगा आपके, नीचे का स्टैंड चाहिए तो साथ ही है, देखिए वो बाहर पड़ा है ना बॉक्स,
वो नीचे वाला स्टैंड है, इतना ऊंचा हो जाएगा, झाड़ू पोछा करने के लिए जगह हो जाएगा। उसका कॉस्ट कितना होगा स्टैंड का? 1000 रुपये। लेकिन मैंने जब उनको शोरूम पे बात की तो बोले कि स्टैंड हम रिकमेंड नहीं करते, अगर आपने स्टैंड यूज करा तो वारंटी वारंटी नहीं रहेगी। ये सब चीजें वो शोरूम वाले क्या है कि भाई वो आप उनसे फ्री मांगोगे, 25-30 हजार का चीज है तो 500 रुपए का वो चीज साइड में बेचेगा तो आप बोलोगे ना भाई इसका क्या देना है, इतना बड़ा फ्रीज का तो दिया है मैंने, तो ये सोच के वो लोग ना ही बोले। स्टेबलाइजर का तो मैंने पूछा था पर उन्होंने डिनाई करा, उन्होंने वेबसाइट भी चेक करवाई मुझे। लेकिन वो लोग कंपनी बुक में लिखती है तो भाई यहाँ से यहाँ तक वो कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर जाएगा उससे नीचे जाएगा तो आपको बाहर से रखना पड़ेगा। तो कोई कोई जगह पे गांव जैसा है गांव में तो हाँ जरूरी है तो वो एरिया में थोड़ी इतना वोल्टेज मिलता है, वो तो कभी कभी लाइट इतनी आती जाती रहती है उसमें आप चीजें बिगड़ जाती है, तो वहां तो सब लोग यूज करते ही है। लेकिन यहाँ पे बालाजी में भी हाई वोल्टेज कभी कभी हो जाते हैं, तो मैं तो यहाँ कई घरों में दिया है। चलो देखेंगे उसी में हम कर लेते हैं। तो ये देखिए आगे आई के मोदी का मकान है ना, उसके घर में मैंने स्टैंड दिया है, फ्रिज में ही लगाया था, फिर उसने मशीन दिया तो बोला भैया नहीं, पर वो ऐसा बोले शोरूम पर कि अगर आप स्टैंड का यूज करोगे ना तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। उसको थोड़ी देनी वारंटी, तो हमको देनी शोरूम वाले को थोड़ी देनी, ये एक साल जो फ्री है ना, अभी वो शोरूम वालों को भी बोलोगे ना तो भेजेंगे तो हमको। तो हाँ लेकिन क्रोमा से लिया तो बोले कि सर आपको हेडेक नहीं कि हम अपने थ्रू भेज देंगे। आपको कब कैसा लगेगा, आपकी गलती से कुछ हुआ है ना, तो फिजिकल डैमेज आपकी गलती क्या होती है, चूहे ने तार काट दिया, कुछ टूट फूट गया, इलेक्ट्रिक बोर्ड खराब है या तो लैंप उड़ गया, वो सब गारंटी नहीं आता है। बाकी तो चलते चलते कुछ भी हुआ तो आपको हमको बोलना है, हम आएंगे, वोल्टेज का इश्यू होगा तो बोलेंगे पहले वोल्टेज ठीक कराओ या तो स्टेबलाइजर बरबर, या तो पहले से ही आपने रखा है तो कोई चिंता नहीं बरबर। अभी दिखा नहीं जाए, मैंने आके वही चेक किया तो करंट नहीं आ रहा है ना, लेकिन कौन सा करवाया जो होता है ना कोयला वगैरह नमक वही ना, वो करवा रखा हमने, वो करवा रखा तो अभी वो दिखाई नहीं रहा है। हाँ वो मैंने करवाया है, नहीं तो यहाँ ना बिना कलर वाली जगह पे यहाँ टेस्ट और लाइट दिखाता है यहाँ बराबर। हाँ आपने आते ही टेस्ट किया था जी, कोई भी घर में जाता हूँ ना पहले वही, क्योंकि छोटे जितना मैं हो सका मैंने सारी कर रखा सेफ्टी वगैरह का। ये सब चीज वर्लपुर खुद बनाती है, इसमें ये सिस्टम भी है कि मान लीजिए अभी आपको एक साल फ्री है बराबर, चल चलते बिगड़ा इलेक्ट्रिक पार्ट मैकेनिज्म हमारा, ये एक साल फ्री है तो एक साल वाला आपको 2 साल करवाना है, एक साल वारंटी करवाना है तो वो भी AMC सिस्टम डायरेक्ट वर्लपुर से होगा, ये शोरूम वाले नहीं कंपनी के थ्रू ही। अभी जो वारंटी है वो एक साल का, वही आपको एक साल और बढ़ाना है आप हमको वर्लपुर का चेक देंगे, हम आपको वर्लपुर का ग्रेडिट कार्ड दे देंगे, ग्रेडिट कार्ड लेके आएंगे चेक ले जाएंगे। तो इस तरह से एक साल का AMC करवाना है तो भी आप करवा सकते हो, तो ये सब सिस्टम है। फिर अंदर का फ्रेशनर मिलता है हमारे पास 375 रुपए का, 6 महीना चले ऐसा, कभी कोई स्मेल आ गई है, कभी कभी फ्रूट कटा हुआ रख देते दरवाजा खुलते ही खट्टा मीठा स्मेल आता है ना, वो स्मेल खींचने वाला फ्रेशनर आता है, सब्जी को फ्रेश रखने वाला फ्रेशनर आता है, तो ये सब एक्सेसरीज वर्लपुल खुद बनाती है। तो ये सब चीजों के लिए आप हमारा कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम आपको उसके बारे में। हम एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अभी है ना कर लेंगे इसके, हाँ इसमें लगा हुआ है फ्रेश रो और कुछ सब्जी वाले में वो आप वो कैसे चेंज होता है, फिल्टर कौन सा है वो, फिर वो बाहर रखना पड़ेगा उसका यूनिट आएगा तो अलग से रखना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं चिपका कर रख सकते हैं, और वो सब्जी वाला ऐसा ही आएगा जो अभी लगा है ना वैसा ही आएगा, और ये जो फ्रेशनर है ना वो आपको बाहर से अलग से यूनिट आएगा, वो कहीं पे भी चिपका देगा तो ऐसे ही छुट्टा रख देंगे तो भी चलेगा, तो ये भी मिलता है हमारे पास। समझ गया बात, कन्वर्ट तो नहीं कर सकते ना फ्रीजर को, फ्रीजर फ्रीज वो नहीं वो नहीं खाली डायरेक्ट होगा। खैर तो मैंने उस वहाँ पे था मैंने एक्चुअली क्या वहाँ पे ये था एक हेयर का मॉडल और था वो भी काफी कन्विंसिंग था, लेकिन मेरे को वर्लपूल का थोड़ा थोड़ा ज्यादा विश्वास है। नहीं तो ठीक रखा हुआ ना 6 इंच दूर था उसे मार सकते हैं पर ठीक है, मैंने इसी हिसाब से थोड़ा हाइट वाई का देख के दिया था, हेयर का भी सेम मॉडल था, पता क्या था थोड़ा उसका फ्रीजर नीचे था, झुकना मत करके नया मॉडल आया ना,
कुछ फैसिलिटीज उसमें थी जैसे इन्वर्टर कंपेटेबल था और भी कई चीज़ें कंफर्टेबल नहीं होता है, इन्वर्टर पे चलता नहीं है। अच्छा लिखा रहा था लाइट बिल को कंट्रोल करता है खाली इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नहीं। जैसे ये इन्वर्टर ये तो है इंटेलिजेंस इन्वर्टर वो उसमें होता है, उसमें था इन्वर्टर कंपेटेबल होम इन्वर्टर, पर फिर मेरे को वर्लपूल का थोड़ा ज्यादा पसंद आया था मैंने इसके तरफ गया। ये शायद 1-2 हज़ार रुपए थोड़ा कॉस्टली था, नहीं चलता है कोई भी जो भी कंपनी ज्यादा लोड नहीं। नया वाले वो कई बोल रहे हैं कि चलता है नहीं इन्वर्टर में नहीं, लेकिन वो इच्छा वोट का होगा तो चलेगा। हाँ वो उसके लिए कंपेटेबल वैसे हाँ था, इन्वर्टर उतने वोट का होना चाहिए वो ये तो चक्कर पड़ता है नहीं, तो नहीं ये अच्छा फ्रिज है इसमें कोई चिंता नहीं है। और कोई कुछ बोलिए बस, इसका 1 साल का वारंटी है और 10 साल का कंप्रेसर वारंटी है ना, ठीक है टोटल 10 साल में 1 साल फ्री। और इसका जो वारंटी एक्सटेंड करवाते हैं उसका कितना लगता है 1 साल चार्ज? 1 साल का 1900 के करीब ना, वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अभी देखो आपने देखा होगा बाहर टीवी लिया था तो उसमें थोड़ा इश्यू हो गया, तो क्या जमेगी नहीं जब आपने जो गिराया है वही जमेगी। अगर वो ध्यान एक्चुअली हमारे क्या फ्रीजर का यूज बहुत कम है तो उस हिसाब से इतना प्रॉब्लम नहीं है। पर आप मुझे ये बताओ कि केक एक बार क्या होता है, मैं केक परचेज किया था मैंने पर सिंगल डोर था मेरे सैमसंग का, तो वो बिल्कुल ही एक रात को मैंने रख दिया 500 रुपीज का कुछ केक था वो, सुबह वो किसी काम का नहीं रहा। इसमें रख सकते हैं मतलब अगर मैं इसको हाई डीप फ्रिज पे कर दूं और केक या आइसक्रीम रखूं तो चलेगा ना? चलेगा। यहां पे हाई कर, कई बार ऐसा होता है कि मेहमान अगर आगे रात को अपन लिया भी नहीं खा पाए तो रख दिया, ऐसा होता है कई बार पार्टी वगैरह लेट हो जाता है। और तो फ्रिजर का यूज है नहीं हमारे इतना, बस मेन आइसक्रीम या केक वगैरह वो भी कभी कभी वंस इन अ व्हाइल आइसक्रीम। इसलिए मैंने आपको बोला ना इनको ठीक से समझिए, बाकी सब चीज तो पुराने फ्रिज में होती है। हाँ वो सिंगल डोर में ये तो था अपने पास में पहले से। हमारा तो सिंपल है क्योंकि वो जो आइसक्रीम का फ्रिज है ना उसको एक ही काम है खाली बर्फ जमाना, बराबर इसको दो काम है ऊपर जमाना नीचे जमाना, तो दोनों का गैस चेंज हो जाता है उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। तो ये कस्टमर को बताओ तो वो प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो उसका मूड खराब हो जाता है। अब आप मुझे बताओ जैसे अब मैं फिर से उस बात थोड़ा मैं बोल दूं, अगर मैंने इसमें आइसक्रीम रखा ये केक रखा तो मैं क्या करूं, कन्वर्टिबल मोड कर दूं? नहीं डीफ्रीज मोड में डीफ्रीज कर दीजिए और अंदर हाई कर दूं ना, हाई पे कर दीजिए। देखो पहले मैं सबसे पहले मैं क्या मुझे मान लो अभी केक रखना है तो मैं पहले इसको कर दूं डीप फ्रीज पे, केक तो आइसक्रीम तो जितना उसके लिए है। चलो आइसक्रीम बात करते हैं, चलो ये करा मैंने कर दिया और ऐसा करने के बाद में मैं ये इस बटन को दबा करके इसको हाई पे कर दूं, ये हो गया आइसक्रीम अगर रखनी है। जैसे अभी मुझे आइसक्रीम रखनी नहीं है तो मैं फिर इसको मैं ले आऊं मीडियम पे ले आया और अंदर भी जो है मैं इसको नॉर्मल कर दूं, और कभी कभी तो ये मिनिमम भी चलेगा, नॉर्मल तो नॉर्मल कंडीशन फ्रिज में ही रखना है। तो मिनिमम कर दो, आप ये सिर्फ छाछ दही दूध रखना है तो मिनिमम चलेगा ना, चाहिए तो आइसक्रीम ट्रे मतलब अगर आइसक्रीम स्टोर करनी तो इसके ऊपर रख दो, जो भी कप वगैरह आता है इसमें आइस क्यूब हो गए, इसमें आइस क्यूब हो गए। और अभी इसमें क्या रख सकते हैं, ये जितना बड़ा है कुछ भी जो भी जमाना हो, मटर है। अच्छा वो मटर वगैरह जो स्टोर करने हो, जैसे डेयरी मिल्क चॉकलेट वगैरह हो गई बराबर, क्योंकि हमारे इतना यूज नहीं है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। और ये वेजिटेबल्स अपन को इसमें रखनी है खुला वाला, तो ये वेजिटेबल का बॉक्स हो गया। और अगर उसमें अपन को धनिया वगैरह रखा तो इसको रखा हमने इस पे, जैसे जरूरी नहीं है धनिया भी ऐसे ही रख दिया, क्योंकि हाँ निकल निकल नहीं 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 निकाल सकते, निकाल सकते हैं पट्टी जितना जितना पड़ेगा। सिंगल डोर में क्या हर चीज बाहर निकल जाती है, तो हमको थोड़ा अपना वे ऑफ ऑपरेटिंग बदलना पड़ेगा थोड़ा। ये लोग बोल रहे थे शोरूम में कि इसको निकाल के आप धो सकते हैं, मैंने इसीलिए मैं बेचने वाला नहीं, मैं रिपेयरिंग वाला हूँ, मैं टेक्नीशियन हूँ। तो मैं क्या है जो जो लोग की कस्टमर की कंप्लेन है और यहाँ का हवामान कैसा है वो हिसाब से आपको ऐसे ही कपड़ा डाल के साफ कर ले गर्म पानी से, गर्म पानी से भी करेंगे तो, लेकिन ऐसे गिरता हुआ पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। थ्योरेटिकली तो सब कुछ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली ये कि नॉर्मल कपड़े जितना हो सके कम से कम ही रखो। इसमें भी वो फटा हुआ गंजी है ना या तो टी शर्ट, हाँ उसी से करते हैं हम तो, हाँ वो साफ अच्छा सॉफ्ट फाइबर होता है उसका, नहीं तो नेपकिन में स्क्रेच होने का डर रहता है। हाँ क्योंकि वो अगर सिंथेटिक कपड़ा होगा तो वो तो स्केच मारेगा, मतलब अपने दिमाग यूज करके इसको मिनिमम छेड़ना है। और अगर आप बोल रहे हो कि 2-3 महीने में कभी यहाँ पे पानी जमेगा, अगर जमे तो उसको अपन को सुखा लेना है, अपने आप बाहर निकले तो नहीं तो वो सूख जाएगा। सिंगल डोर में तो हमारे डिफ्रोस्ट करते थे तो बहुत भर जाता था पानी, बाहर निकलता था, दो हफ्ते में एक बार करना होता है, 2 महीने में होता है। अच्छे से यूज कर दो, बढ़िया चीज है वो, इसको बेटी मानोगे तो लंबा चलेगा।
नहीं, मेरा जो अभी मैंने अभी रिसेल उसके भी मुझे काफी अच्छी प्राइस मिल गई थी। क्यों मिल गई? क्योंकि बिल्कुल नया था, मतलब ऐसे तो 5 साल पुराना था लेकिन कंडीशन तो नहीं थी, बिल्कुल संभाला हुआ था, तो ऐसे अच्छे है। आपका नजर कैसा है? बराबर इसमें क्या बोले बेटी मानेंगे तो लंबा बेटा मानेंगे तो बेटा तो कहीं पे नहीं। अच्छे समझा दिया ना, ना ना कोई बात नहीं, 5-10 मिनट लगे, कोई ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, समझ मेरे को क्लियर आ गया, और मैंने ये वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं कभी प्रॉब्लम होगी तो देख लिया करूंगा। नहीं नहीं, आपने इतना बढ़िया बताया था, इसको रिकॉर्ड करना मन कर गया। आप शुरुआत में शुरू किया, हालांकि 2 मिनट मिस हो गए थे। चीज महंगी है तो मैं तो अपनी मांग के डेमो करता हूँ, आपकी नहीं मेरी, ये चीज आपको संभालने के लिए दी है, तो किसी की चीज संभालते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। संभालने इसलिए मेरे को काफी पसंद आया बल्बुल का, ये मैं बहुत कंफ्यूज था कि बल्बुल होगी अच्छी है, और थोड़ा वोल्टेज वोल्टेज की वजह से कभी कभी कुछ हुआ तो बात अलग है, बाकी ज्यादातर कोई कंप्लेंट नहीं है। यहाँ हाई वोल्टेज का डर रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई आपका ध्यान गया कि भाई पंखा 5 पे था 3 पे हो गया तो थोड़ी देर बंद कर दो, पंख हुए में तो बढ़ गए हैं, एक एक नंबर पे पंखा घूम रहा है, 5 जितनी स्पीड आ सकता है हाई वोल्टेज में, फिर ये सर्किट बिगड़ने का डर है। 1 साल के बाद सर्किट बिगड़ी तो महंगी आती है, 4,500-4,500 रुपए का खर्चा आ जाता है, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको ये करना है, या तो स्टेबिलाईजर रख दीजिए, अगर आप ध्यान कर लेंगे तो कोई इशू नहीं। इसका बुक निकला है वो कहाँ? हाँ बुक है, अभी निकलने का ले आना, और कोई पूछना नहीं ना, एक बार तो समझ में आ गया, कोई डाउट होगा तो फिर कॉल करेंगे आपको। हाँ ठीक है, कीजिएगा कोई, और इसका बिल भी दिखाइएगा। बिल्कुल, हाँ भी दिखा देता हूँ।